हाँ, तो राखी कब बांधे हैं? मूल प्रसंग तो छूट ही गया। सही बोले, वो तो क्या बोलते हैं वो नाटक में, सही पकड़े, बिल्कुल सही। किसको राखी बांधी जाती है? रक्षा करने वाले को। अब तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ चल रही है और तुम्हारी जिंदगी में हर पल वो तुम्हारा साथ दे रही है कि नहीं? रक्षा करने वाली राखी आप अपनी बहन को भी बांध सकते हो। दो बेटियां आपस में बात कर रही थी, मेरा भाई नहीं है गुरुजी, मैं क्या मेरे बुआ के लड़के को राखी बांधने जाऊं, मैं क्या मेरे मामा के बच्चे को राखी बांधने जाऊं, मैं क्या उसको राखी बांधवाने वाले के मन में ही नहीं है, क्योंकि उसके मन में आ रहा है 500 रुपए देना पड़ेगा, उसकी मम्मी के मन में आ रहा है कपड़े दिलवाना पड़ेंगे। पर तुम्हारे भीतर ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया कि राखी के लिए लड़का होना जरूरी है, भाई होना जरूरी है। शिव महापुराण कथा कहती है जो तुम्हारी रक्षा करे राखी उसके हाथ में होना चाहिए। तुम्हारी बहन जरूरी नहीं कि सुंदर व्याख्यान। तो राखी कब बांधे हैं? मूल प्रसंग तो छूट ही गया, कब बांधे? अब तुम बोलो। मेरा निवेदन केवल इतना है, 30 तारीख को रात्रि में बड़े आनंद के साथ 9 बजे के बाद आपका मन करे आप बाबा का स्मरण कर बाबा का नाम लेकर, वैसे तो शिव का नाम ऐसा है कि वो अजर और अमर है, मेरे बाबा का बनाई गई हर घड़ी हर पल हर क्षण मेरे बाबा का है, उसका नाम लेकर रात्रि के 9 बजे के बाद आप भगवान की राखी का स्मरण कर बांधो, कोई मना, शिव तत्व को